तो गाइस आज हम जिस मर्सिनरी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे कहा जा रहा है कि वो आने वाली ब्लैक विडो मूवी का विलन होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एंथनी मास्टर्स की, जिसे जाना जाता है टास्क मास्टर के नाम से। टास्क मास्टर हमें रिसेंटली ब्लैक विडो मूवी के ट्रेलर में दिखा, जहां वो यूज कर रहा था बो एंड एरो। हालांकि उस बो एंड एरो की वजह से कुछ फैन थ्योरीज में कहा गया है कि इस मूवी में टास्क मास्टर ही हॉकआई है, पर ऐसा होने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं और इसीलिए कई सारी फैन थ्योरीज को साइड करते हुए आज हम टास्क मास्टर की ओरिजिन पर नजर डालेंगे। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं टास्क मास्टर की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। तो वैसे तो मार्वल स्टूडियोज अपने कैरेक्टर्स की ओरिजिन स्टोरी एज इट इज मूवी में नहीं दिखाता, पर मूवी में कॉमिक के कई एलिमेंट सेम होते हैं, तो इसीलिए स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो टास्क मास्टर कॉमिक्स में कई जगह कई फॉर्म में दिख चुका है, पर उसकी ओरिजिन स्टोरी के बारे में कई लोगों को कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको उसकी ओरिजिन थोड़े अलग तरीके से बताना चाहूंगा। तो टास्क मास्टर हमें सबसे पहले दिखा एवेंजर्स इशू 195 में, जिसके अगले इशू में उसका सामना हुआ एवेंजर्स से। शुरू में टास्क मास्टर एक सुपर विलन था, पर बाद में हमें वो कई जगह एंटी हीरो और स्लीपर एजेंट की तरह भी दिख चुका है। टास्क मास्टर जाना जाता है अपने फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस के लिए, जहां वो किसी के भी मूवमेंट को बस देख के ही कॉपी कर सकता है, और इसीलिए खुद को ट्रेनिंग देने के लिए उसने स्पाइडरमैन की तरह उछलना, कैप की तरह शील्ड फेंकना और आयरन फिस्ट की तरह लड़ाई करना सिर्फ और सिर्फ उनके न्यूज फुटेज देखकर सीख लिया। और इसी वजह से उसके दिखने के पहले इशू में एवेंजर्स उसे नहीं हरा पाए, पर उसे हराया जोकास्टा ने, एक रोबोट जिसके डिलेइंग टैक्टिक्स को टास्क मास्टर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जोकास्टा की प्रोग्रामिंग हमें एमसीयू के एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिख चुकी है, जब टोनी अपने आर्मर के लिए एआई फ्राइडे को प्रिपेयर कर रहा था, पर इस ओरिजिन स्टोरी से हमें ज्यादा कुछ पता नहीं लगा। टास्क मास्टर की असली ओरिजिन स्टोरी हमें पता चली 2010 की सोलो सीरीज टास्क मास्टर में, जहां वो एक नॉर्मल आदमी होता है जिसे अपने या अपने पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी वो देखता है कि एक रेस्टोरेंट में ऑलमोस्ट 7 से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के गुंडे उस पर हमला करने आए हुए होते हैं। तभी अचानक वो आदमी खुद को बदलता है टास्क मास्टर में और उन सब की पिटाई करते हुए उन्हें फेल कह रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि वो उन सभी गुंडों का टीचर था और ये फाइट उनके लिए टेस्ट थी। उन गुंडों से फाइट करते हुए टास्क मास्टर उस रेस्टोरेंट की वेट्रेस को वहाँ से निकलने के लिए एग्जिट प्रोवाइड करता है, जिसके बाद वो सारे गुंडों को मार के वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ वो वेट्रेस अपने घर पर भी कुछ गुंडों को देखती है, पर इससे पहले वो गुंडे उस वेट्रेस को नुकसान पहुंचा पाते वहाँ टास्क मास्टर आ जाता है, जो कि एक एक करके सारे गुंडों को मारता है। और तब वो उस वेट्रेस को बताता है कि क्योंकि वो उसके साथ रेस्टोरेंट में देखी गई थी तो अब वो भी वांटेड है। तब वो वेट्रेस टास्क मास्टर से उसके बारे में पूछती है, जिसपे वो बताता है कि मैं बस रोड पर चल रहा होता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ या मैं कौन हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पास कई स्किल्स हैं, मुझे कई सारे रैंडम फैक्ट्स पता है, यहाँ तक कि मुझे 8 लैंग्वेजेस आती हैं। तब मैं अपनी मसल मेमोरी के सहारे एक पेफोन पर जाता हूँ, वहाँ बिना किसी नॉलेज के मैं कुछ नंबर्स डायल करता हूँ जिसके बारे में मुझे नहीं पता, और तब मुझे सामने से आवाज आती है कि ये द ऑर्ग है, तुम्हारा नेक्स्ट जॉब डिसाइड हो चुका है। मैं नहीं जानता कि मेरे पास पैसे हैं कि नहीं, पर वो लोग मेरे पैसों का हिसाब रखते हैं, उन्हें पता होता है कि मैं कहाँ हूँ और किधर जा रहा हूँ, पर फिलहाल ऑर्ग मुझे धोखा दे चुका है और मैं अब खुद के बलबूते पर हूँ। तब टास्क मास्टर उस वेट्रेस के साथ अपनी पहचान ढूंढने निकलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका नाम है टोनी मास्टर्स। वो पहले एक शील्ड एजेंट था जो कि स्ट्राइक टीम लीड करता था। एक दिन वो और उसकी टीम एक नाजी लैब में पहुंचे, जहां एक साइंटिस्ट को गोली लगी हुई थी और वो मर रहा था। मरते मरते वो साइंटिस्ट टोनी को सुपर सोल्जर सीरम का नाजी वर्जन देता है और टोनी अपनी फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए उस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, पर इसी वजह से वो अपना पास भूल जाता है और बनता है एक मर्सिनरी। तभी ये सब कुछ बताते बताते टोनी को उस वेट्रेस की आवाज जानी पहचानी लगती है और वो उसके हाथ पर गोली मार देता है। तब वो वेट्रेस बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक शील्ड एजेंट है जो कि पहले उसकी वाइफ थी। वो फिलहाल टोनी पर नजर रखकर उसकी सारी हरकतों के बारे में निक फ्यूरी को बता रही थी। तभी वहाँ और गुंडे आ जाते हैं, जिनसे लड़ते लड़ते टोनी अपने फाइट्स मूव को याद रखता हुआ वापस खुद को भूल जाता है, जिसके बाद वो लौट जाता है वापस अपने पुराने रूटीन पर, जहाँ उसे कुछ नहीं पता था, और उसको आगे के शेड्यूल के बारे में वापस बताता है द ऑर्ग। और तब हमें पता चलता है कि द ऑर्ग कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ चला रही होती है, ताकि टोनी के दिमाग को ये तो लगे कि वो क्रिमिनल्स के लिए काम कर रहा है, पर असली में वो एक शील्ड डबल एजेंट बनके शील्ड की हेल्प कर रहा है। तो गाइस ये थी ओरिजिन स्टोरी टोनी मास्टर्स यानी टास्क मास्टर्स की। मैं श्योर हूँ कि ये स्टोरी आपको एमसीयू में देखने को नहीं मिलेगी, पर कम से कम आपको टास्क मास्टर के ओरिजिन स्टोरी के बारे में पता तो चला। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गए हो या आपके उसके नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो में कौन से कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी देखना चाहते हैं। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और ऑसम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, और टिकटॉक पर भी, क्योंकि हम हर जगह हैं।
तो गाइस अगर आप कॉमिक्स में टास्क मास्टर को एक्शन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स अगेन कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।